रुद्रप्रयाग में वन संपदा को वन अग्नि से बचाने के लिए विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 फरवरी से शुरू होने वाले फायर सीजन के लिए वनों में घटित होने वाली वन अग्नि की रोकथाम के लिए जिस स्तर से जो भी आवश्यक कार्रवाई और व्यवस्थाएं की जानी है वह सभी व्यवस्थाएं समय से की जाएं, ताकि किसी भी क्षेत्र में वन अग्नि की घटना घटित होने से इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में प्रभागीय वन अधिकारी अभिमन्यु ने कहा कि जनपद में दो वन प्रभाग हैं, जिसमें 66% वन आरक्षित क्षेत्र हैं और साथ ही 20% क्षेत्र चीड़ बाहुल्य क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि इस समय बारिश बहुत कम हुई है, जिससे कि वन में वन अग्नि की अधिक संभावना है। वहीं अब इस वन अग्नि की रोकथाम के लिए उन्होंने संबंधित विभागों से भी अपेक्षा की है कि वन अग्नि की घटना घटित होने पर सभी विभाग इसमें वन विभाग का पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराएंगे। रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल नेकी की रिपोर्ट। इस मीटिंग में मुख्यतः प्रिवेंटिव मेजर्स में कंट्रोल बर्निंग, फायर लाइन मेंटेनेंस, जन जागरूकता, पिरुल जो मुख्य कारक होता है फायर का, उसके वैकल्पिक उपयोग, इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही फायर रिस्पॉन्स हेतु वायरलेस सेटअप उचित रखना, विभिन्न विभाग जैसे पुलिस, आपदा, वन विभाग आपस में समन्वय स्थापित किए जाने हेतु पर चर्चा की गई।